तो आज मैं कुछ ऐसी एनिमेटेड मूवीज़ के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जो रिलीज़ हो चुकी है और कुछ कुछ रिलीज़ होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। नंबर वन, गारफील्ड मूवी। अब देखो, तुम गारफील्ड को तो जानते होगे बिकॉज किसकी एक मूवी आई थी गारफील्ड अ टॉल ऑफ टू किटीज़ करके, जिसको सबने पसंद किया था। अब ये मूवी जो रिलीज़ हुई है द गारफील्ड मूवी, एक फैमिली कॉमेडी मूवी है और ऑब्वियसली ऑन एनिमेटेड मूवी है, जिसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि गारफील्ड एक लंबे समय से खोए हुए अपने पिता को खोज लेता है और अनएक्सपेक्टेड उन सबकी रीयूनियन हो जाती है। तो वो अपने एक बिल्ली के साथ, उन सभी के साथ, मतलब अपने पिता और अपनी बिल्ली के साथ कुछ ऐसे काम करता है जो उसे एक बहुत बड़ी डकैती में खींच ले आती है। अब तुम जानते हो कि गारफील्ड कितना फ़नी कैट है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये मूवी जो 2024 में आई है, इसको IMDb पर रेटिंग 6.5 की मिल चुकी है, जो आपको अम्यूजिंग, सरकास्टिक और प्लेफुल जैसी वाइब्स दे सकती है, जिसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हो और अमेजोन प्राइम पर भी। नंबर सेकेंड, ट्रांसफॉर्मर्स 1। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी मूवीज़ मिली है वो तो मैंने सारी देख रखी है, और ये वाली मूवीज़ पता है क्या है, अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर्स देखी होगी तो उसमें आरसी ना ट्रांसफॉर्मर्स के जो प्राइम है, यानी प्राइम जो होता है ऑप्टिमस प्राइम, उसका एक स्टोरी बताती है कि पहले प्राइम का नाम ओरियन पैक्स होता है जब वो प्राइम नहीं बना था, और मेगाट्रॉन का नाम कोई दूसरा ही चीज़ होता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स 1 में मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस की फ़ाइट से पहले की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे वो दोनों आपस में एनिमी बन जाते हैं। इसमें ऑप्टिमस प्राइम का जो नाम था वो ओरियन पैक्स बताया गया है एंड मेगाट्रॉन का नाम D16। हाँ, ये मूवी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जो शायद 20 सितंबर की रिलीज डेट इसकी दिखाई गई है अभी तक। और हाँ, ये एक साइफाई एक्शन मूवी है, जैसा कि हमेशा एक ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी होती है, और बहुत ही कूल मूवी है जो आपको मिस्ट्री और एक्शन की वाइब्स दे सकती है। तो ये जैसे भी रिलीज़ होती है थिएटर में जाकर तुरंत इस मूवी को देखना, बिकॉज की बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। नंबर थर्ड, अल्ट्रामैन राइजिंग। अब देखो, अल्ट्रामैन का जो कैरेक्टर है ना, बैंटेन में आने से पहले, एलियन वाला अल्ट्रामैन नहीं, बैंटेन में आने से पहले अल्ट्रामैन एक जापनीज कैरेक्टर था, एक जापनीज एलियन था, उसमें इसी की स्टोरी बताई गई है। ये मूवी 2024 में रिलीज़ होगी, जिसकी रिलीज डेट है 14th of June 2024। मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जब टोक्यो पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, तब एक ऑल स्टार एथलीट अल्ट्रामैन का कमान संभालने के लिए, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए और एक महान नायक बनकर लड़ने के लिए लौट आता है। अब जो जो अल्ट्रामैन को पहले से जानते हैं मेरी तरह, उन्हें ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मूवी का, और एनिमेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई होगी, आप भी देख सकते हो उसको। नंबर फोर्थ, डिसिपल्स मी 4। ये मूवी 2024 में रिलीज़ होगी, जो एक फैमिली कॉमेडी मूवी है, जिसकी रिलीज डेट है 3 जुलाई 2024। मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि ग्रू परिवार में एक न्यू मेंबर की एंट्री होती है, जिसको जूनियर ग्रू बोल सकते हैं, जो सिर्फ अपने बाप यानी अपने पिता को पीड़ा देने का ही इरादा रखता है, और ये बहुत ही कमीना बच्चा होता है, एकदम अपने बाप की तरह एकदम चोच निकला हुआ रहता है नाक से बच्चे बहुत ही ज़्यादा हराम शरारती होते हैं शायद। हालांकि उनका पीसफुल लाइफ जो होता है वो तब बर्बाद हो जाता है जब एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड मैक्सिम ले मैल जेल से एस्केप कर जाता है, जिसका एक ही इरादा होता है ग्रू से रेवेंज लेना। मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, बिकॉज कि आप डिसिपल्स की जितनी भी मूवी देखोगे, मतलब देखी होगी, तो आपको अच्छा ही लगा होगा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर मिनियंस वाली जितने भी डायलॉग्स हैं मूवी में, जान तो वही लोग डालते हैं ज़्यादातर, ग्रू से किसको भी मतलब है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है कुंग फू पांडा 4। ऑडियंस भी लाइक, भाई तू क्या बोल रहा है, जैसे लगता है हम लोग ये देखे ही नहीं है, प्लस कि ये रिलीज़ भी हो चुकी है, ऑब्वियसली ये रिलीज़ हो चुकी है, और मुझे लगता नहीं इसका एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, बिकॉज कि आप लोग इसे ऑब्वियसली देख लिए होंगे। लेकिन मूवी जो 2024 में रिलीज़ हुई है, ये कॉमेडी एडवेंचर मूवी है। स्टोरी तो आपको पता ही होगा कि कमेलियन जो होती है वो रूप बदलती रहती है, जो जादूगरनी भी होती है, और वो सारे मास्टर को लेते आती है, और उसी को हराने के लिए जो पो होता है वो जाता है। मूवी को IMDb पर रेटिंग 6.3 की मिल चुकी है, और ये मोस्ट सर्च फैमिली प्रोग्राम ऑन स्ट्रीमिंग अभी भी है, इसे आप Z5 और Amazon Prime पर देख सकते हो। तो हाँ, वीडियो बन चुकी है, तो अगर तुम्हें पसंद आया ये रिव्यूज़ और मूवीज़ का वेट कर रहे हो अच्छी अच्छी मूवीज़ का, तो इन मूवीज़ को देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करना मत भूलना, कमेंट अभी भी 0 है यार, प्लीज़ कुछ तो लिख दो, हाई ही लिख दो चलेगा। तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।